विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सब जनन का प्रणाम करी थे। बड़ी खबर है सीधी से, जहां अपना पंचन को बताया दी कि आज सीधी में देर रात कोरोना विस्फोट भा, जो उन्हें मां कुल 5 कोरोना संक्रमित पाए गए। अपना पंचन को बताया दी कि कल जो है एक कोरोना संक्रमित और व्यक्ति पाए गए रहे, जो दिल्ली से सीधी आए रहे। उनका जो है निवास स्थान काली माटी रहा, किंतु वो किराए के घर ऊंची हवेली में रहे, जहां वार्ड क्रमांक 21 का कोरोना के कंटेनमेंट जोन बना बगा रहा। अब नगर पालिका क्षेत्र में अपना पंचायत को बताई दी कि 3 कंटेनमेंट जोन बन चुके हैं, जो में अपना पंचायत को बताई दी कि वार्ड क्रमांक 21 ऊंची हवेली, दूसरा है आजाद नगर के वार्ड क्रमांक 14 गली नंबर 3 और एक और जो कोरोना कंटेनमेंट जोन बना बगा है वह है वार्ड क्रमांक 22 पटेल पुल। तो ये 3 कंटेनमेंट जोन अब कोरोना के सीधी नगर पालिका क्षेत्र में बन चुके हैं। अपना पंचायत बताया दी कि कल देर रात आई रिपोर्ट में जो 5 नए कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति पाए गए हैं। एक व्यक्ति जो है जमोड़ी सिगरान गांव के आई, जिनकर खुद कलेक्ट्रेट में जो है कलेक्ट्रेट न्यायालय में टाइपराइटर के पद में पदस्थ रहे, कौनों बारात के कार्यक्रम में शादी बारात के कार्यक्रम में गए रहे, वहाँ से लौटे तो उनकर माता जी और ऊँ दोनों जने कोरोना पॉजिटिव पाए गए। एक व्यक्ति जो है अपना पंचायत को बताया दी कि जैसा जो 5 कोरोना पॉजिटिव जो उन्हें पाए गए हैं, तो 2 व्यक्ति तो जमुड़ी अंतर्गत सिंगरान के हो गए, एक आज़ाद नगर के लगभग 11-12 वर्षीय बच्चा जो गली नंबर 3 में अपने परिवार के साथ बेंगलोर, सूत्रन से प्राप्त जानकारी के अनुसार कि बेंगलोर में रह रहे हैं, वहाँ से वो आए, जब सैंपल उनका जाँच कराई गए तो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब वह कंटेनमेंट जोन में तब्दील हो जाला है। एक अपना का जो खड्डी वाली बात बताए रहन कि खड्डी से एक महिला कोरोना संक्रमित रही, ऊँ खड्डी के निवासी आई, किंतु खड्डी नहीं गई, डायरेक्ट इंदौर से सीधी आई गई और सीधी के पटेल पुलिया नगर पालिका क्षेत्र वार्ड क्रमांक 22 पटेल पुलिया माँ सरकारी नगर पालिका के जो भवन है वो में रह रही ऊँ कोरोना संक्रमित पाई गई है, जहाँ वह क्षेत्र का अब कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। अमिलिया माँ 10 वर्षीय बच्ची जो है कोरोना पॉजिटिव पाई गई, जहां अब पूरी तरह से वह क्षेत्र का बाजार का कंटेनमेंट जोन बनाए दिया गया है। अपना पंचायत को बताया दी कि जो बच्ची के साथ हिस्ट्री बताई जा रही कि बच्ची के कोनो हिस्ट्री नहीं है, न बच्ची कोनो बारात में शामिल है, न शादी बारात, कहे कि मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा जब हमारे द्वारा बात की गए तो उनके द्वारा साफ तौर पर यह कहा गया कि बच्ची किराना की दुकान में सामान दे के काम कर रही है, जौने माँ वह बच्ची अब कैसा संक्रमित है यह बात की जानकारी लगाई जा रही। पूरे प्रशासनिक अमला में हड़कंप मचा है। अपना पंचायत को बताया दी कि यह बेहद बड़ी खबर है सीधी खातिर कि अब सीधी माँ नगर पालिका क्षेत्र के अंदर 3-3 कंटेनमेंट जोन बन गया है। मतलब अब समझ ले कि जो अबे बिरले देखे को मिल रहा कि सीधी माँ बाहरी क्षेत्रन माँ एक एक गाँव माँ कहों न कहों बाहर के प्रवासी मजदूरन के आगमन की वजह से कंटेनमेंट जोन बनाए गए रहे। अब सीधी नगर पालिका क्षेत्र में ये कोरोना के बड़ी दस्तक देखे का मिल रही है, जो बेहद चिंतनीय है। अब कहो न कहो जो एक लापरवाही पूर्ण रवैया प्रशासनिक तौर पर देखे का मिल रहा, अब कहो न कहो प्रशासन का अधिकारियों का पुलिस विभाग का सबका कमर कसे की जरूरत ही, कहे कि वह दिन दूर नहीं कि अब सीधी एक बड़े खतरे के मुहाना में बैठी। ऐसे अब देखब दिलचस्प हुई कि प्रशासन या जो है नया आंकड़ा आए के बाद कितना जो है तंदुरुस्त होत है और निकल के बाजारन में अब हाल देखे कोई कि अब का प्रशासन की नींद खुला थी या फिर वह पुरान ढर्रा में चल रहा है, या पूरे पटेल पुलिया के जो कंटेनमेंट जोन है ओके खितिर एमपी संदेश न्यूज 24 की टीम जो है ग्राउंड जीरो में पहुंची, जहां अधिकारियों से बातचीत करी, साथ में संक्रमित व्यक्ति का जो है आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट करत समय ग्राउंड जीरो के देखी रिपोर्ट। अपन बहुत ख्याल रखी, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखी, कहे कि ये कोरोना वैश्विक महामारी हमका अपना का केहू का नहीं चीन है, सावधानी हटी बहुत बड़ी दुर्घटना घटी। ऐसे अपन बहुत ख्याल रखी, 3 मंत्र अवश्य याद कर ली कि मास्क लगाई, सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करी, हाथ जो है साबुन सैनिटाइजर से धोवत रही और आरोग्य सेतु ऐप अवश्य डाउनलोड करी। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। Thank you.
वीडियो बना लो। वीडियो है कितना है इसको कितने में हुआ इतने है तीन तीन छः चार दस दस काहे फुल फील होगी। हाँ कल वाला भी जो है छूटा था उसमें भी एक जगह छूटा था ये लोग तो चले गए ना हाथ। अपने सिकेट खोल के बैठिए अपने सिकेट खोल लीजिएगा। घुमा दीजिए खींच लीजिए दरवाजा ठीक से लॉक नहीं। उनको अंदर से बोल दरवाज़ा लॉक कर लें अंदर बैठ गई। हाँ जी एक ही ना ये मोटरसाइकिल किसकी है मोटरसाइकिल आगे बढ़े अपने बैठा दे ना मिल गए फैमिली मेंबर पीछे हैं आपके कनेक्ट हुई बिल्कुल 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 गाड़ी से बाहर ही आ लें। हाँ नीचे आ जाएं वो ठीक रहेगा बाहर पीछे आ जाएं पीछे साइड पे जैसा कि सर ये पटेल पुल बाढ़ क्रमांक 22 ये कहलाता है और यहाँ पे आज कोरोना का एक और केस नया सामने आया है इसमें कितने घर वगैरह आप कर रहे हैं कितने कंटेनमेंट एरिया में आप रख रहे हैं इसकी थोड़ी सी जानकारी। ये वाली कॉलोनी 6 घर जी 6 घर हैं दुकान है ये एक दुकान है और 5 घर उधर है लगभग लगभग कितने लोग इसके उसमें हैं संक्रमित अगर 4, 3, 5, 12, 12, 2, 14 यहाँ पर 5 परिवार हैं 5 परिवार के लोग रह रहे हैं और संख्या है 14 लोग जी जी
जैसा कि आप सभी देख रहे हैं यहाँ पे अब पूरे मोहल्ले को कंटेनमेंट एरिया बना दिया गया है और अब इस एरिया को सैनिटाइजर करने की पूरी व्यवस्था बनाई जा रही है ना। यहाँ पे 6 ऐसे घर हैं जिनको कंटेनमेंट एरिया में रखा जा रहा है और यहाँ पे एक दुकान भी सम्मिलित है, दुकान संचालित। यहाँ पे डॉक्टरों की टीम और हमारे वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं और इस पूरी एरिया को जैसे कि आप देख रहे हैं कि पूरा एक कंटेनमेंट जोन पे हो चुका है।